हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी हमारी 11 है। और 11 का आज चैप्टर नंबर भी हमारा कौन सा है, 11 है, और 11 चैप्टर नंबर 11 कौन सा है, तो ये हमारा है प्लांट फिजियोलॉजी। हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ से हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ से एनसीईआरटी के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और कौन कौन से यहाँ पे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को यहाँ से एक्सप्लेन भी कर लेंगे। और शुरुआत कर रहे हैं, और पहला जो आप यहाँ से फिगर देख रहे हो, ये कौन है, ये हमारे क्या है, मेल्विन क्लेविन है, ठीक है। मेल्विन कैल्विन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है प्लांट के लिए, तो एक बार इनके थोड़े से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं, इनके बारे में क्या है। तो मेल्विन कैल्विन बोर्न इन द मैनेसोटा, ठीक है। तो मैनेसोटा में ये कब है, अप्रैल इन द 1911 में होता है। रिसीव्ड पीएचडी इन्हें की थी इन द केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द मिनेसोटा। ही सर्व्ड एज अ प्रोफेसर ऑफ द केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया में उन्होंने, ठीक है, वार्कले में। और जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद व्हेन द वर्ल्ड वाज अंडर शॉक आफ्टर द हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग हुई थी वहां, उसके बाद जो शॉक थे, काफी उस समय परेशान थे पूरा वर्ल्ड हमारा, सीइंग द इल इफेक्ट ऑन द रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो उस समय ये क्या सीइंग देख रहे थे, इफेक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी का इन्होंने, तो कैल्विन और इनके को वर्क्स पुट द रेडियो एक्टिव टू बेनिफिशियली यूज, ठीक है। वी अलोंग विद द जे एस वसम स्टडीज रिएक्शंस इन द ग्रीन प्लांट्स फॉर्मिंग द शुगर एंड अदर सब्सटेंस फॉर्मिंग द न्यू मटेरियल लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स वाई लेवलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड विद द कार्बन, हमारा कौन सा था, 14, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटीज ये थे, इनके को वर्क थे, उनपे वर्क कर रहे थे और प्लांट में देख रहे थे, इन्होंने लेबलिंग करी थी, किसकी करी थी, कार्बन 14 की करी थी। और उन्होंने देखा था जो यहाँ पे रेडिएशन हो रहा है प्लांट में, तो एक इसका पाथवे इन्होंने क्रिएट किया था, कैसे कैसे यहाँ पे कार्बन मूव कर रहा है। तो कैल्विन रेस्पॉन्स टू द प्लांट्स चेंज इन द लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इन्होंने प्रपोज किया था कि प्लांट्स होते हैं हमारे, चेंज करते हैं लाइट एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय द ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो हमारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के हेल्प से होता है एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है। द मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ द कार्बन एसिमिलेशन इन फोटो सिंथेसिस अर्न हिम नोबल प्राइज, ठीक है। उसके बाद उसको इनको जो कार्बन ऑफ द फोटो सिंथेसिस का मिला था, उसके लिए इनको नोबल प्राइज भी दिया गया था। नोबल प्राइज इनको कब दिया गया था, 1961 में इनको नोबल प्राइज दिया गया था। प्रिंसिपल ऑफ द फोटो सिंथेसिस एज स्टेब्लिश बाई द कैल्विन आर एट प्रेजेंट द बींग यूज द स्टडी ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में, स्टडी फॉर एनर्जी मटेरियल एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर एनर्जी, ठीक है, रिसर्च। तो ये मेल्विन कैल्विन थे, तो इन्होंने क्या है फोटोसिंथेसिस का जो एक पाथवे क्रिएट किया था, और हमारे क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेस के बारे में इन्होंने बताया था। तो इनका प्लांट में बड़ा योगदान रहा था इनका, ठीक है। तो इनको क्या है नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया था, 1961 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि एसिमिलेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस कार्बन, और जिस कार्बन की खोज की थी वो हमारा क्या है कार्बन 14 था, तो कई बार पूछा गया है। इसके बाद में अब इसके नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ठीक है। अब हमारा है चैप्टर 11 है, और चैप्टर 11 हमारा क्या है प्लांट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का मीन्स हमारा क्या हो गया, प्लांट में कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट मीन्स हमारा कुछ मॉलिक्यूल्स गए और कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पूरे प्लांट में यानी रूट से लेके स्टेम तक हमारे के मूवमेंट होता है,
ठीक है, तो उस मूवमेंट को हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब मूवमेंट किस चीज का होगा, तो मूवमेंट हमारा जैसे सपोज दैट इसमें क्या है, रूट्स हैं, ठीक है, तो रूट्स हमारे क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल्स हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, मिनरल्स का यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये हमारे कहाँ तक जाएंगे, ये हमारे जाएंगे जो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है प्लांट के लीफ तक पहुंचेंगे, स्टेम तक यहाँ पे पहुंचेंगे आपके, और ऊपर जो भी एरियल पार्ट से वहां तक आपके सारे मॉलिक्यूल्स जाएंगे। इसके बाद में लीव से क्या ट्रांसपोर्ट होगा, लीव्स है तो लीव्स हमारे क्या फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस वहां पे होगा, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, तो वहां पे क्या है कुछ ऑर्गेनिक सबस्टांस बनेगा, ऑर्गेनिक सबस्टांस बनेगा, और ऑर्गेनिक सबस्टांस ये हमारे क्या रूट तक यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, तो लीव से रूट तक ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसी को हम लोग ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये तो हमारे क्या एक ट्रांसपोर्ट हमारे क्या कैसे होता है और कौन कौन से इसमें पाथवे इन्वॉल्वमेंट होते हैं, कौन कौन से यहाँ पे ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होते हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, इसी के बारे में इसमें है। हैव यू एवर द वंडर्ड हाउ वाटर रीचेस द टॉप टू टाल्स, ठीक है, भाई पानी टॉप तक कैसे पहुंचता है वाटर ट्री के, तो और द फोर द मैटर हाउ एंड वाई द सबस्टांस मूव द फ्रॉम वन सेल से लेके अदर सेल तक कैसे सबस्टांस मूव होते हैं, वेदर ऑल सबस्टांस मूव इन अ सिमिलर वे, हालांकि सारे जो सबस्टांस एक सिमिलर पाथवे को मूवमेंट करते हैं, ठीक है, इन सम सेम डायरेक्शन एंड वेदर मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द मूविंग सबस्टांस, कुछ मेटाबॉलिक एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है जब मूवमेंट सबस्टांस करते हैं, प्लांट नीड टू मूवमेंट द मॉलिक्यूल्स ओवर एवरी लॉन्ग डिस्टेंस मच मोर देन द एनिमल्स टू, ठीक है, प्लांट में ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं, मूवमेंट होता है कंपेयर द अगर एनिमल सेल की बात करें और एनिमल ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए तो, दे आल्सो डू नॉट हैव द सर्कुलर सिस्टम इन प्लांट, प्लांट में कोई सर्कुलर सिस्टम नहीं होता है, वाटर टेकन अप बाई द रूट्स, रूट्स से पानी को लिया जाता हैज रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये पानी हमारा पूरे प्लांट के पार्ट तक पहुंचता है अप टू द अप वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम्स, ठीक है, तो कहाँ तक पहुंचता है ग्रोइंग स्टेम, जहां तक जहाँ पे स्टेम्स ग्रो कर रहा होगा यानी टॉप पे, द फोटोसिंथेसिस सिंथेटिस और द फूड सिंथेसाइज बाय द लीव्स, पत्तियों में हमारे का फोटोसिंथेसिस होता है, फूड्स का वहाँ फॉर्मेशन होता हैव आल्सो मूव टू द ऑल पार्ट ऑफ द इंक्लूडिंग रूट्स में पहुंचेंगे, टिप पे पहुंचेंगे, एम्बेडेड डीप इनसाइड द सॉइल, ठीक है, और जो रूट है टिप है जो इन जो सॉइल के अंदर तक डीप तक गई है वहां तक वो क्या है फूड को वहां से क्या है ट्रांसपोर्ट होता है, मूवमेंट होता है, मूवमेंट अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस से विद इन द सेल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस भी होता है मूवमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है, एक सेल से दूसरी सेल में पास पहुंचता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी मूवमेंट होता है, विद इन द टिश्यूज आल्सो टेक प्लेस, टिश्यूज में मूवमेंट होता है, टू अंडरस्टैंड सम ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दैट टेक द प्लेस इन द प्लांट्स, ठीक है, तो कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है जो होती है, वन वुड हैव द रिकलेक्टेड वंस ऑन द बेसिक नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, पहले हम पढ़ चुके हैं, द एनाटॉमी ऑफ द प्लांट बॉडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वी ऑल्सो नीड द रिविजिट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द डिफ्यूजन, पहले इसको पढ़ चुके हैं डिफ्यूजन को, और इसके बाद में बिसाइड्स आर गेनिंग द सम नॉलेज ऑफ द अबाउट द केमिकल पोटेंशियल एंड आयंस की, when we talk about the movement of the substance, we need the first to define what kind of movement we are talking about. ठीक है? तो यहाँ पे कुछ कौन-कौन से प्रकार का मूवमेंट होता है and also what substance are we are looking at in the following plant substance that would need to the transport are water है, minerals है, nutrients है, organic nutrients है, अभी हमने बात की थी, ठीक है, उन्हीं के बारे में ट्रांसपोर्ट होता है, और
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है। प्लांट में कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, यानी प्लांट हार्मोन होता है, उनका भी मूवमेंट होता है। ओवर स्मॉल डिस्टेंस सबस्टांस मूव बाय द डिफ्यूजन एंड द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। कुछ हमारे जो सबस्टांस मूव करते हैं, हमारे कैसे करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट करते हैं और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू। सप्लीमेंट्स आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट हमारा कैसा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। कुछ सप्लीमेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूवमेंट करते हैं। ट्रांसपोर्ट्स ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम के, जो लॉन्गर डिस्टेंस होता है ट्रांसपोर्ट हमारे वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है, जैसे जैलम और फ्लोएम आते हैं, इट्स कॉल्ड द ट्रांस लोकेशन, ठीक है। तो ट्रांस लोकेशन मीन्स हमारा क्या है, कई प्रकार का होता है। एंड एक पार्ट एक जो पार्टिकल है उसका मूवमेंट होगा, दूसरे पार्टिकल्स तक पहुंचेगा, दूसरे ऑर्गन तक पहुंचतेगा, तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम होगा, या तो वैस्कुलर सिस्टम उसमें देखने को मिलेगा, या डिफ्यूजन के थ्रू वहां पे जाएगा, या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वहां पे जाएगा, या और भी उसमें क्या है, कुछ प्रोटीन्स वगैरह इसको फैसिलिटेट करती है, तो उसके माध्यम से जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एक पार्टिकल से मूवमेंट हमारा दूसरे ऑर्गन या फिर दूसरे डिस्टेंस तक पहुंचना, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ट्रांसलोकेशन के लिए कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल होता है, कोई ना कोई इसमें पाथवे होगा, कोई ना कोई इसमें रीजन रहा होगा वहां तक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रहा होगा। एंड इम्पोर्ट द एस्पेक्ट ऑफ द नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन रूटेड प्लांट्स में, ट्रांसपोर्ट्स इन जाइलम वाटर और मिनरल का देखने को मिलता है। जाइलम जो रूट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इसेंशियली यूनिडायरेक्शनल होते हैं, फ्रॉम रूट टू द स्टेम तक जाएगा। ये हमारे कैसा है, एक यूनि डायरेक्शन होता है, क्योंकि इसमें वेसल्स जो पार्टिसिपेट करती हैं, वेस्कुलर बंडल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और ऑर्गेनिक और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हाउएवर द अंडरगोज द मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। कई बार पूछा है तो वाटर और मिनरल्स हमारे कैसे, उसका डायरेक्शन होता है यूनि डायरेक्शन होता है, और जो फूड लीव्स में होता है उसका कैसा डायरेक्शन होता है, वो हमारा कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक इसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन द फोटोसिंथेटिक लीव्स में होते हैं, एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स में, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन में जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड, बाद में ये री एक्सपोर्टेड हमारे कर देते हैं। द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द रूट्स के थ्रू जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट अप बाय द स्टेम की तरफ हमारा ये मिनरल्स वगैरह पहुंचते हैं, लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन तक जाते हैं। व्हेन दे एनी प्लांट्स पार्ट अंडरगोज द सेनेसेंस, जब उसमें पतझड़ होता है, सेनेसेंस हो रहे हो, तब हमारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मे बी विड्रॉन कर दिए जाते हैं फ्रॉम सच रीजन्स टू मूव द ग्रोइंग पार्ट्स, ठीक है। सेनेसेंस पार्ट से हमारा कहा जाए ग्रोइंग पार्ट हो रहा है, तो वहां के लिए न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या है, मूव कर दिए जाते हैं। हार्मोन्स और प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल स्टिमुलाई आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। जो जो हार्मोन्स होते हैं बहुत टिनी अमाउंट्स में, बहुत स्मॉल अमाउंट में ट्रांसपोर्ट इनका होता है, समटाइम्स इन स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स, ठीक है। तो ये पोलराइज्ड होते हैं, यूनिडायरेक्शनल मैनर में मूव करते हैं, कहाँ से करते हैं, फ्रॉम जहाँ सिंथेसाइज टू अदर पार्ट, जहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है और अदर पार्ट तक पहुंचे हैं। हेंस द इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जाए, देर इज द कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ द कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑर्डरली मूव द डिफरेंट डायरेक्शन ईच ऑर्गन रिसीविंग सम सबस्टेंस एंड गिविंग आउट द अदर्स, ठीक है। इसके बाद में अब बात कर रहे हैं मीन्स ऑफ द डिफ्यूजन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट हमारा कैसा होता है, बात की थी डिफ्यूजन के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट भी होता है, तो डिफ्यूजन हमारा है क्या, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पहला हमारा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स हमारे क्या होता है, कोई पार्टिकल्स हैं ये हमारे, और इन पार्टिकल्स में
अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, डिफ्यूज कर रहे हैं, यानी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ये, ठीक है। अभी जो पार्टिकल्स हमारा है एक कॉम्पैक्टली भी अरेंज्ड है, इनपे कोई अडहेसिव फोर्स इनपे लग रहा है और हमारे के अटैच्ड है, ठीक है। जब इनपे चाहे कोई रीजन रहा हो क्यों मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि या तो जो सम बराबर वाली सेल्स हैं तो इसमें ये कंसंट्रेशन कैसा हो गया है, लो हो गया है, जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट हमारा डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है इनके पास में, और जिसकी वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन होने की वजह से लोअर काइनेटिक एनर्जी के पास ये पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखी है और एक तरफ कम क्वांटिटी में है वो चीज, तो उसके पार्टिकल्स यहाँ पे तुरंत मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन हमारे सब में हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, और हमारा सॉलिड में भी डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो अब डिफ्यूजन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, और मूवमेंट बाय द डिफ्यूजन इज पैसिव होता है हमारा, कोई पैसिव मीन्स एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव होगा तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी यहाँ पे एटीपी नीड्स होगा। पैसिव होता है तो यहाँ पे क्या है, विदाउट एनर्जी है आपके मूवमेंट होता है, इफ एनी द फॉर्म द वन पार्ट से लेके। डिफ्यूजन क्या, पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट की तरफ जाएगा, फ्रॉम वन सेल से सेल टू सेल हमारा डिफ्यूजन हो, ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है, से फ्रॉम इंटर सेलुलर स्पेस ऑफ द लीफ आउटसाइड में पहुंचता है, ठीक है। इंटर सेलुलर स्पेस मीन्स के ये हमारे सेल्स हैं, तो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उनको इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं। अब इसका इंटर सेलुलर स्पेस हमारे क्या है, इसका मीन्स ये हमारे इंटर सेलुलर स्पेस है, तो इंटर सेलुलर स्पेस से हमारा डिफ्यूजन हो सकता है। इसके बाद फिर इसमें नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं चाहते। इन डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम फ्यूजन, इसमें क्या है, एक रैंडम फ्यूजन होता है, एक पर्टिकुलर फ्यूजन नहीं होगा, रैंडम फ्यूजन किधर को भी यहाँ पे क्या है मूवमेंट कर सकते हैं। इन द नेट रिजल्ट बीइंग द सब्सटेंस मूव द फ्रॉम रीजन ऑफ द हायर कंसेंट्रेशन से रीजन टू लोअर कंसेंट्रेशन का मूवमेंट हमेशा होता है, इसमें हमने पहले ही बात की थी, ठीक है। एक तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, एक तरफ कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो ज्यादा से हमारे क्या कम की तरफ चले जाएंगे एकदम से। और डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस एंड इज नॉट डिपेंड ऑन द लिविंग सिस्टम, ठीक है। ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं होता, ऐसा नहीं डिफ्यूजन सिर्फ लिविंग में ही हो, तो नॉन लिविंग में भी ये होता है हमारा, और स्लो प्रोसेस है हमारी, ठीक है। डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन द गैसियस और लिक्विड्स में, दोनों में हो सकता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड में भी हो सकता है, रदर देन द सॉलिडिज्म इज मोर लाइकली। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्लांट्स सिंस इट द ओनली मीन्स फॉर द गैसियस मूवमेंट विद द प्लांट बॉडी, ठीक है। प्लांट में ज्यादा है और प्लांट में हमारा क्या है, इट इज मीन्स फॉर द गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो प्लांट बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है हमारा क्या है, गैसियस बॉडी में मूवमेंट हो सकता है। डिफ्यूजन्स रेट्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रेडियंट्स ऑफ द कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो हमने पहले ही बात की थी मूवमेंट क्यों हो रहा है, मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे कंसेंट्रेशन चेंज है हमारे किसकी, ग्रेडियंट्स की। तो यहाँ से मूवमेंट अगर यहाँ के लिए होगा तो इसमें कंसेंट्रेशन जरूर इसकी, अगर इधर से इधर जाएगा मूवमेंट होगा पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा हमारा लोअर होगा और इसका कंसंट्रेशन हमारा कैसा होगा, हायर होगा। अगर इधर से इधर जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन हमारा ज्यादा होगा और इसका कंसंट्रेशन हमारा लो होगा, तभी हमारा मूवमेंट हमारा होगा किसका, पार्टिकल्स का। परमिएबली ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम द टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो कुछ हमारे डिफ्यूजन के रेट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, जैसे हमारे कंसंट्रेशन अफेक्ट कर सकता है, मेम्ब्रेन अफेक्ट कर सकती है, टेम्परेचर इसको अफेक्ट कर सकता है और प्रेशर इसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन मीन्स हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन तो हो रहा है
बट डिफ्यूजन किसी के माध्यम से कोई वहाँ पे किसी को फैसिलिटी दी गई है कि ये डिफ्यूजन करने के लिए, इसमें प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करती हैं उस डिफ्यूजन को करने के लिए। पार्टिकल्स जो हमारा मूव करता है फ्रीली मूव नहीं करता है, तो इसको ले जाने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन्स चाहिए, माध्यम चाहिए, तभी यहाँ पर क्या है मूवमेंट करता है। तो उसी को एज द पॉइंट ऑफ द आउटर अर्लियर ग्रेडियंट मस्ट बी अर्ली टू बी प्रेजेंट टू डिफ्यूजन। ठीक है, तो ग्रेडियंट हमारा मस्ट होना चाहिए एल्डरली टू द प्रेजेंट टू डिफ्यूजन टू द अकर्स। द डिफ्यूजन रेट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, इनके साइज पे भी डिपेंड करता है। ऑब्वियसली स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर, जिसके पार्टिकल्स स्मॉल है उनमें ज्यादा तेज डिफ्यूजन होता है। द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओन इट्स सॉलिबिलिटी इन द लिपिड्स। ठीक है, डिफ्यूजन हमारा डिपेंड करता है हमारे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन करने, ठीक है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने पे, और हमारा डिपेंड करता है हमारा सॉलिबिलिटी ऑफ द लिपिड्स, लिपिड्स में कितनी उसकी सॉलिबिलिटी है, कितने कितनी जल्दी घुल सकता है कि नहीं घुल सकता है, इस पे भी हमारा डिपेंड करता है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन सबस्टांस सॉलिबल इन द लिपिड डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर होगा। ठीक है, सबस्टांस दैट हैव द हाइड्रोफिलिक मॉइटी, मॉइटी दिस हो द प्रोसेस ऑफ द मॉइटी मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होगा रिमूव होंगे यहाँ पे, तो उसको क्या है मॉइटी कहते हैं। तो हाइड्रोफिलिक एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक मीन्स हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक मीन्स होते हैं जो पानी को पसंद करते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं जो पानी, हाइड्रोफोबिक होते हैं जो पानी को पसंद नहीं करते हैं, वाटर को। ठीक है, इसके बाद में थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर हमारा होगा, सबस्टेंस दैट हैव द हाइड्रोफिलिक मॉइटी देखने को फाइंड इट द डिफिकल्ट टू द पास थ्रू द मेम्ब्रेन, देयर मूवमेंट हैज टू बी फैसिलिटेटेड, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड द साइट ऑफ दैट विच सच मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, दे डू नॉट सेट अप द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी टू प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स टू द डिफ्यूजन इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब यहाँ पे एक चीज समझ में आया था कि जो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा वो हमारे अक्रॉस, इसको अक्रॉस करेगा, तो अक्रॉस हमारे क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को करेगा। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तब अक्रॉस करेगा जब उसकी क्या है हाइड्रो हाइड्रोफिलिक कंडीशन हो रही है, उसको चाहिए है बहुत सारे इसमें क्या है, तो इसको जल्दी ये मूवमेंट हमारा उसको पार नहीं करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा जब तक इसमें कोई ना कोई प्रोटीन्स इसके साथ में अटैचमेंट नहीं हो। तो उस जो प्रोटीन्स अटैचमेंट होता है यहाँ पे पहुंचाने के लिए मॉलिक्यूल्स, उसको फैसिलिटेटिंग डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज मोटे मोटे ये समझ में आया हमारे का, ये हमारा क्या है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे देखा जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा ये जो डिफ्यूजन होगा, और इस डिफ्यूजन को करने के लिए हमारे कोई ना कोई प्रोटीन्स इसको चाहिए, तभी हमारा क्या है मॉलिक्यूल्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और जो मॉलिक्यूल्स उसको क्रॉस करवाएगा उसको पोरेंस कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं, और उसी को हम क्या फैसिलिटिंग डिफ्यूजन कहते हैं। इसके बाद में इन फैसिलिटिंग डिफ्यूजन स्पेशली प्रोटीन्स हेल्प द मूवमेंट द सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। ठीक है, ये भी प्रोटीन्स होती है हमारे जो मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाती है हमारे मॉलिक्यूल्स को, तो इनके लिए कोई प्रोटीन्स की जरूरत नहीं, मतलब सॉरी एटीपी की जरूरत नहीं, मॉलिक्यूल्स को ऐसे ही हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करा देती है। तो ये भी हमारे कैसा है पैसिव, एक हमारा प्रकार का डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज बाय नेट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लो टू हायर कंसेंट्रेशन। ठीक है, इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इस जो भी हमारा फैसिलिटेटिंग डिफ्यूजन हमारा होगा हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ हमारा जाएगा। ठीक है, ये लोअर से हायर की तरफ भी जाता है, हायर से लोअर की तरफ भी ये जा सकता है।
दिस वुड बी रिक्वायर्ड द इनपुट एनर्जी. ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन्स आर द ट्रांसपोर्ट बीइंग यूज्ड. इसको सेचुरेशन कहते हैं. जब सारे के सारे प्रोटीन्स इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उस समय ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है, मैक्सिमम होगा. फैसिलिटेटेड अब इसमें दिया गया है. देखो तो ये हमारे क्या चीज है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये ठीक है, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक हमारे क्या है, एक प्रोटीन्स है इसमें, जो फैसिलेटिंग प्रोटीन्स है. और ये फैसिलेट हमारे किसको करा, ये मूवमेंट है, ये पार्टिकल्स हैं जिनको मूवमेंट कराना है हमारे किधर से, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है से डायरेक्ट हमारे मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको मूवमेंट कराने के लिए प्रोटीन्स की नीड्स होती है. और ये प्रोटीन्स हमारे इसको पार्टिकल्स हैं इनको मूव करा के इधर को पहुंचा देगी हमारे के मेम्ब्रेन के थ्रू. इसमें दिखाया गया है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है और ये पार्टिकल्स हैं, और ये हमारे इधर के लिए मूव करा दिए थ्रू हमारे किसके, प्रोटीन के थ्रू. और ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स है, इनर साइड ऑफ द सेल है, ये आउटर साइड ऑफ द सेल है. तो जिस ये सेल में हमारा क्या होता है, मूवमेंट हमारा होता है किसका, फैसिलेटेड डिफ्यूजन हमारा से कुछ सबस्टांस मूव करते हैं. कौन कौन से इससे सबस्टांस मूव करते हैं, तो वो भी इसमें अभी बताया गया है. डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक, डिफ्यूजन हमारा इज वेरी स्पेसिफिक टू अलाउ द सेल टू सेल सेलेक्ट सबस्टांस टू अपटेक. ठीक है, ये अलाउ करते हैं हमारे कौन से सबस्टांस सेल में जाएंगे, कौन से इनको अपटेक की नीड्स है, वो अपटेक यूटिलाइज करेंगे. इट इज सेंसिटिव टू द इनहिबिटर्स द विच रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चैनल्स. ठीक है, ये काफी सेंसिटिव होते हैं और जैसे प्रोटीन साइड कुछ चेंज होते हैं तो उनको रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर इनहिबिटर्स भी रुक जाते हैं. तो द प्रोटीन्स फॉर्म चैनल्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू. ठीक है, तो चैनल्स हमारे होते हैं उसके मेम्ब्रेन में. ठीक है, तो जिसके थ्रू पास होते हैं. सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, कुछ चैनल्स होते हैं. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल्स बने होते हैं. ठीक है, तो कुछ चैनल्स हमारे हमेशा कैसे होते हैं, ओपन रहते हैं हमेशा. और अदर्स कैन बी कंट्रोल्ड, कुछ हमारे कंट्रोल्ड होते हैं. सम ऑफ द लार्ज अलॉन्ग टू द वैरायटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू अक्रॉस द, ठीक है, कुछ बड़े बड़े होते हैं. और द प्रो इनको पोरिन्स आर द प्रोटीन्स दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोरिन्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, पोरिन्स हमारे क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं. प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया है द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, ठीक है, पोरेंस की बात करें तो पोरेंस हमारे सबसे ज्यादा आपको ह्यूज फॉर्म में पोर्स कहाँ देखने को मिलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिलेंगे. सम बैक्टीरियास अलोंग द मॉलिक्यूल्स अप टू साइज ऑफ द स्मॉल प्रोटीन्स पास थ्रू. ठीक है, फिगर इसमें दिया गया. सोच द एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स वॉन्ट टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स देन द रोटेट्स एंड द रिलीज मॉलिक्यूल्स इन साइड द सेल. एग्जाम्पल्स वाटर, वाटर चैनल्स इसमें मेड अप ऑफ द 8 डिफ्यूजन टाइप ऑफ द एक्वापोरेंस. ठीक है, तो एक्वापोरेंस की बात की रही थी जिसमें प्लास्टिड में था, माइट्रोकॉन्ड्रिया में था और कुछ हमारे बैक्टीरिया में था. तो ये कितने प्रकार के जैसे पोरेंस होते हैं, तो 8 प्रकार के पोरेंस होती हैं, एक्वापोरेंस इसको कहते हैं. अब इसमें कुछ दिया गया है, इसको समझ लेते हैं. जैसे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी, सेल मेम्ब्रेन है हमारी. और ये आपको क्या है, कैरियर प्रोटीन्स है. तो ये हमारे क्या है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराया गया. तो ये हमारा यूनिपोर्ट डिफ्यूजन होता है. यूनिपोर्ट फैसिलिटिंग कैसा डिफ्यूजन है, सिंगल एक ही बार में एक प्रोटीन हमारे केवल एक ही मॉलिक्यूल्स को पास कराएगी और एक ही डायरेक्शन में पास कराएगी, तो यूनिपोर्ट ए. इसके बाद में यूनिपोर्ट, ठीक है, एंटीपोर्ट है. एंटीपोर्ट मीन्स क्या होते हैं, ये जो प्रोटीन्स है हमारे, जो फैसिलिटिंग प्रोटीन्स है और ये चैनल है हमारा क्या, तो पोरेंस है, तो ये हमारे दोनों तरफ से पार्टिकल्स को मूव करा सकती है. ठीक
ठीक है, यानी सेल के अंदर भी पार्टिकल जा सकता है और सेल से बाहर भी पार्टिकल्स हमारा जा सकता है, इसको यूनिपोर्ट कहते हैं। इसके बाद में है सिमपोर्ट है, तो सिमपोर्ट्स में एक साथ जो प्रोटीन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को पास करा देती है मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे के इनसाइड द सेल्स। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा है जो फैसिलिटिंग होता है यूनिपोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है, सिमपोर्ट क्या होता है, तो बहुत है यूनिपोर्ट का मीन्स आया तो एक डायरेक्शन में एक ही बार एक मॉलिक्यूल जा रहा है, एंटीपोर्ट का मीन्स आया तो दोनों तरफ से मॉलिक इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और हमारा सिमपोर्ट की बात आए तो कहना एक साथ दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हमारे क्या है प्रोटीन करा रही है। ठीक, इसके बाद में ये हमारा क्या है पैसिव सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा है पैसिव है सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट मीन्स हमारे क्या होते हैं एक साथ दोनों को करा रहे हैं, एंटीपोर्ट दोनों तरफ से इसमें क्या है मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं। सम कैरियर आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ द डिफ्यूजन, कुछ प्रोटीन्स है जो ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन को अलाउ करती हैं इफ द टू टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव द टूगेदर इन सिम्पोर्ट। ठीक है, तो सिम्पोर्ट में एक साथ टू मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, बोथ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में इसको है ये हमारा क्या है मूवमेंट होता है। इन एंटीपोर्ट में दे मूव द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन आ वेन आर मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन द अदर मॉलिक्यूल्स द प्रोसेस इसका आता है यूनिपोर्ट। ठीक है, यूनिपोर्ट में हमारा का एक ही तरफ था, सिमपोर्ट में एक साथ दो बार चल रहे थे, और हमारा एंटीपोर्ट में हमारा दोनों तरफ मूवमेंट इसमें हो रहा था। ठीक है, इसके बाद में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आई, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज द एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट होगा, तो एक्टिव मीन्स हमारा क्या है ये हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के बीच में पार्टिकल्स इसमें मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और इसमें एनर्जी की नीड्स पड़ती है क्योंकि इसमें जो क्या है एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसमें एनर्जी नीड्स होती है, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन के बीच में जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरीड बाय द आउट ऑफ द आउट बाय द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, इस ये भी हमारे किसके हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू होगा, हेंस द डिफरेंट प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन प्ले रोल द मेजर रोल बोथ एक्टिव एज वेल द पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो भी प्रोटीन्स के थ्रू ये होगा हमारा तो वो एक्टिव भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पैसिव भी ट्रांसपोर्ट होता है, पंप आज द प्रोटीन्स पंप्स हमारे इसमें क्रिएट होते हैं हमारे कैसे होते हैं प्रोटीन्स और दैट एनर्जी टू कैरी सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये एनर्जी को यूज एनर्जी करते हैं, और ये पंप क्रिएट होते हैं प्रोटीन्स के होते हैं जो हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस कराते हैं, हमारे किस चीज़ के मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन से क्रॉस कराते हैं। दीज पंप्स कैन बी ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम आ लो कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन अप फिल ट्रांसपोर्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अपफिल ट्रांसपोर्ट हमारा कैसा होता है लोअर से लेके हायर कंसेंट्रेशन के तरफ होगा तो उसको अपफिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट रेट्स रीच मैक्सिमम व्हेन द ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड द सैचुरेटेड। ठीक है, जब सारी की सारी जो भी फैसिलिटी प्रोटीन्स है सारी की सारी यूज हो रही है यहाँ पे प्रोटीन्स, तो उनको उस समय क्या है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होगा। लाइक जैसे एंजाइम्स आर कैरियर प्रोटीन्स इज वेरी स्पेसिफिक इन टू द स्पेसिफिक इन वाट इट कैरी अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे एंजाइम्स हमारे यहाँ कैरियर प्रोटीन्स को मूवमेंट हमारे कराते हैं, दीज प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू टू इनहिबिटर इनहिबिटर्स दैट रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चैनल, प्रोटीन साइड की तरफ चैनल्स होते हैं उनसे रिएक्ट करने के बाद तुरंत बहुत सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स यहाँ पे कुछ मूवमेंट कराए गए थे प्रोटीन के थ्रू,
उनके बारे में। इसके बाद कंपैरिजन डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसर, कंपैरिजन डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, टेबल कुछ इसमें दिए गए। गिवन द कंपैरिजन डिफरेंट प्रोटीन मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटेट डिफ्यूजन एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हेंस द लोअर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बीइंग द हाईली सेलेक्टिव, लिया विल द सैचुरेटेड सेप रिस्पॉन्ड द इनहिबिटर अंडर द व्हाट डिफ्यूजन द फेजेस डू नॉट टेक प्लेस अलॉन्ग द ग्रेडियंट, डू नॉट यूज द एनर्जी। तो टेबल देख लेते हैं कौन सी टेबल है इनके पास में। ठीक है, ये टेबल है, कंपेयर टेबल है, अच्छी टेबल है, इसको जरूर याद रखना इसको। ये हमारे क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है, और ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हमारा हो रहा है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो रिक्वायर रिक्वायर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, जब सिंपल डिफ्यूजन होगा तो किस इसकी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी तो इसमें क्या नहीं होगी, लेकिन फैसिलेटिंग होगा तो होगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो तब भी हमारे क्या है, एक प्रोटीन्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद हाईली सेलेक्टिबल होता है, ये हमारा हाईली सेलेक्टिव डिफ्यूजन होगा, नो, ये हमारा यस हाईली सेलेक्टिबल होगा, ये भी हमारा सेलेक्टिबल होता है। ट्रांसपोर्ट सेचुरेटेड इसमें देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्ट सेचुरेटेड नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, बट इसमें देखने को मिलेगा और आपका इसमें भी देखने को मिलेगा। अपोफिल ट्रांसपोर्ट होता है, अपोफिल मीन्स हमारा क्या है, लोअर कंसेंट्रेशन से लेके हायर कंसेंट्रेशन तरफ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, हमेशा अपोजिट होता है इसके। तो फैसिलिटी में ऐसा होता है नहीं, इसमें भी ऐसा, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा अपोफिल ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट वाली बात है और ध्यान देने वाली बात है। ईटीपी रिक्वायरमेंट किसको चाहिए, इसको चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, और हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा जिसमें एंजाइम्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट लगे थे। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन वाला है, इसको याद रखना है, मेम्ब्रेन हमारा दोनों को चाहिए, फैसिलिटी और एक्टिव वाला। अपोफिल ट्रांसपोर्ट किलो किसमें होगा, इसमें डिफ्यूजन में नहीं होता है, फैसिलिटेड में नहीं होगा, और हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखने को रिक्वायर एटीपी हमारा हमेशा किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही आपको देखने को मिलती है एनर्जी। ठीक है, इसके बाद में ये नेक्स्ट होता है वाटर रिलेशनशिप, इसको हम लोग नेक्स्ट उसमें क्या है डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओवरऑल वॉच।